हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सिमर SKS ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। शूट नहीं कर पाई तो वजह भी आपको पता चली जाएगी, मैं आपको बताऊंगी। गाइज, मेरी ना आज सुबह तबीयत तो ठीक नहीं थी। सो गाइज, आज मैंने वीडियो शूट नहीं किया है। बात कुछ ऐसे हो गई गाइज, मतलब बहुत कुछ आज दिमाग बहुत खराब हुआ। मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सहज स्कूल गया था। मैंने उसे स्कूल भेज दिया, सहज को, वो चला गया। तो इन्होंने जाना था काम पे, तो इन्होंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। मैं अंदर लेटी हुई थी, मैंने इनको बोला कि मेरे से दुकान में नहीं बैठा जाएगा, मेरी सेहत ठीक नहीं है। तो ये बोल रहे थे कोई बात नहीं, मैं दुकान बंद करके चला जाऊंगा। तो गाइज, मतलब उसी के दौरान, उसी टाइम के, शायद 7:30 पौने 8 का टाइम था, तो मम्मी की आवाज़ आई। हमारी मम्मी, जो मेरी सासू माँ है, वो जैसे ना चिल्ला रहे थे। वो एकदम से डर गई मैं गाइज, जोर से ना, जैसे मैं उठी, मेरे आँखों में आँखों के आगे, एक तो मेरे को पहले चक्कर आ रहे थे, आँखों के आगे अंधेरा आ गया। तो हमारे एकदम से जोर से दीवार में लगी जाके, तो मैं भाग गई आई बाहर। मैंने देखा क्या हुआ, मैं बोलने लगे कि एक्सीडेंट हो गया, मेरे जो देवर देवरानी है ना, वो बुलेट पे जा रहे थे, वो काम पे जा रहे थे अपने। तो गाइज, मतलब एकदम से दिमाग इतना ख़राब हुआ कि पता नहीं क्या बात होगी। ऐसे है ना, ठीक ठाक हो, भगवान उनको ठीक ही रखे। तो मैंने फटाफट से इनको भी बताया, ये भी भाग गए एकदम से, स्कूटी लेके भाग गए। तो मैंने आसपास सभी पड़ोसियों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, इधर हमारे ताऊ जी हैं उनको फ़ोन किया। तो वो मतलब आ गए, तो हो गए। तो ना, जो मेरी देवरानी है, उनको मतलब ले आए थे घर, मतलब कोई जान पहचान वाले थे, उनको बिठा के घर ले आए थे। तो जो मेरा देवर था, वो बाद में उसको लेके आए थे। तो भगवान ने मतलब बहुत बचाव कर दिया उनका। तो पहले तो भगवान का शुक्रिया ही करना चाहिए सबको के, मतलब जान बच जाए, उससे आगे क्या है ना, तो चोटें तो ठीक हो जाती है गाइज। बताया कि जस्सी भी सही है, उसके बाजू पे चोट आई है, मेरे देवर का नाम जस्सी है। तो गाइज, मतलब फिर मैं भी देखने गई थी, चोट मैंने उसकी देखी। तो जो मेरी देवरानी है, उसके भी जो अंदरूनी होता है, ऐसे थोड़ा सा ये मतलब बैक पे वो लगी थी, थोड़ी बौखला सा जाता है बंदा, ऐसे हो गया था। ओके, मम्मी बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे, मैंने मम्मी को पानी पिलाया, तो दिमाग कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या करे क्या ना करे। तो गाइज, मतलब ऐसे ना डर सा लगने लग जाता है, अगर ना किसी, मतलब भगवान सबको तंदुरुस्त रखे। मतलब घर से जाओ, भगवान को याद करके ही निकलना चाहिए, भगवान हमारे अंग संग रहना। तो गाइज, मतलब बाल बाल बच गए आज वो। तो सभी अपने परिवारों में तंदुरुस्त रहे, भगवान सबको तंदुरुस्त रखेंगे। मतलब बचाव हो गया उनका बहुत ज़्यादा। उनके आगे ना वो है, घोड़ा होता है, वो कह रहे थे किसी ने मतलब छोड़ रखा था ऐसे ही घूमने फिरने के लिए। ऐसे जो था ना, इनकी बाइक में मतलब उसके साथ टक्कर हुई, बोल रहे थे। बाइक जो है, आपको पता ही है, बुलेट जो होते हैं एकदम से बंद भी नहीं होते, मतलब ऐसे ही बंदा स्लिप होके जाता है ना। तो बस रब का यही है, धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने उनकी जान बख्श दी। तो तंदुरुस्त रखे भगवान सबको भाई, अपने अपने घरों में। गाइस, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।